जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन और प्यासे को पानी। मैं जा रहा हूँ अमरनाथ की यात्रा के लिए। कल मैं निकला था हरियाणा से और आगे स्टे किया था पठानकोट में। आज पठानकोट से पहलगाँव तक जाएंगे। सुबह के 8 बज चुके हैं। ये होटल लिया था, यहाँ से फिलहाल चेकआउट हो रहा है। सामान वामान अपना सब पैक हो चुका है, विकास भाई लगा पड़ा है। तो आज की राइड होगी हमारी पहलगाँव तक। कल 1 तारीख हो जाएगी, आज है 30 तारीख और 1 तारीख का हमारा रजिस्ट्रेशन है। 21 भाई का रजिस्ट्रेशन नहीं है, वहाँ जाके करवाना पड़ेगा, देखते क्या प्रोसीजर होता है। तो फिलहाल तो कुछ लेट हो चुके हैं क्योंकि जम्मू भी यहाँ से 2-3 घंटे तक का रास्ता है, फिर उसके बाद और आगे जाना है। तो भागते हैं जल्दी जल्दी। चलो विकास, चलो भाई चला जा। तो जी चलते हैं, नीचे से ले लेते हैं। तो आज की राइड शुरू करते हैं महादेव के नाम के साथ। जय भोलेनाथ, देना मेरा साथ। देखा क्या मतलब तालमेल हुआ, मंदिर भी यही मिल गया। अब टाइम हो गया 8:15 और आज का डेस्टिनेशन होगा बालटाल, और पहुंचेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, आज बालटाल पहुंचेंगे। तो कल की यात्रा है, 1 तारीख का रजिस्ट्रेशन है, एक भाई का है नहीं जैसे कि मैंने बताया है, उसका भी करा देंगे। अब यहाँ से यू टर्न लेते हैं। यहाँ पर एक चाय वाला है, अपना खास बंदा है वो। जब मैं कश्मीर से कन्याकुमारी कर रहा था ना, तो मैंने इससे चाय पी, फिर इससे मेरी दोस्ती हो गई थी। फिर मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर की, तब फिर मैं इसके पास आया, इसने मुझे पहचाना। कल फिर मैं इसके पास आया, फिर पहचान लिया। आज देखते हैं इसके पास चाय पीते हैं। चलो, इन्होंने रात को बल्कि होटल दिलाया था, वो सामने उधर होटल था। कैसे हो सर? राम राम, राम राम जी, राम राम। बना दो बढ़िया बढ़िया 4 चाय। रात को फिर उसी होटल में रुके जहां आपने बोला था। इनमें डालना, कप में डालना, आप ना ज्यादा इतनी भर भर के पिलाते हो। थोड़ी थोड़ी पिलाना। चाय की चुस्की के साथ। और बाकी एक चीज है बाबा जी, आपकी चाय पीने के बाद दिन बन जाता है। मैं जब गया था ना कन्याकुमारी, जब पी थी मैंने आपकी, वापस आया जब भी पी, दो बार पिया। तीन बार घूम के थे, दोबारा श्रीनगर में गए थे। तो 3 बार इनकी चाय पी चुका, अब चौथी बार बीर पी रहा हूँ। चाय बढ़िया बनाते हैं। ठीक है जी, चलते हैं। चाय पिला दी बाबा जी ने। ये हर बार क्या करते हैं, पैसे लेने से मना करते हैं, देखा कैसे आया एकदम से। जम्मू 103 किलोमीटर, उधमपुर 174, और हमें पहुंचना है कहाँ, श्रीनगर से भी बल्कि दूरी होगा, श्रीनगर नजदीक पड़ जाता है बल्कि। भाई साहब, जब मैं पहुंचने से पहले वाटर क्रॉसिंग आ गई। अरे यार, ये तो बहुत गहरा है, मैं ट्रक को जाने देता हूँ वरना छींटे ना मार देगा ये। नहीं आगे वो ले आगे, या फिर मैं उड़ दे। अरे ओ भाई, क्या ये, व्हाट इज दिस? अगर कोई सा गिर गया ना इसमें तो दोनों पैर तो डूबेंगे। ओए कितना पानी है यहाँ, भाई साहब गड्ढा है यहाँ तो, वो तेरी के ऊपर तक आ गया पानी। जबरदस्त वाली वाटर क्रॉसिंग दी है। तो वेलकम डिवोटीज टू श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023। तो जे एंड के में मेरी एंट्री हो चुकी है। ये है लखनपुर बॉर्डर, जहाँ से माता वैष्णो देवी श्री अमरनाथ जी की यात्रा स्टार्ट होती है। यहाँ पे आ चुका हूँ मैं। वो क्यों खड़े हो गए, ये किसने रोक लिया भाई इनको, क्या हुआ? क्यों वहां तो वापस आया गए थे तुम? अरे क्या एंट्री हो गई, यहाँ चलते सीधे दिल्ली कर लो। चलो भाई, ये लखनपुर बॉर्डर है जहाँ पे अभी हमें रोका गया है, और यहाँ पे ना RFID टैग मिल रहे हैं। जिस किसी भाई ने भी जैसे रजिस्ट्रेशन करा के आया है जो, तो उसको भी एक टैग लेना पड़ता है। ये नहीं है कि रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप डायरेक्ट यात्रा पे चले जाओगे, आपको यहाँ से
RFID टैग लेना पड़ेगा जो भी अपने व्हीकल से आ रहा है या मतलब बाय रोड आ रहा है, तो लखनपुर बॉर्डर से अपना टैग लेके फिर आगे जा सकता है। जो ट्रेन से आ रहे हैं वो जम्मू में भगवती नगर से ले सकते हैं। ठीक है, भागे चलो अमरनाथ जी। यहाँ पे जियो की सिम मिल जाती है आपको, JNDK में जो चालू मिलेगी, मतलब यहाँ की सिम लेनी पड़ती है तभी कनेक्ट नेटवर्क आएगा जी। एक बार पकड़िए हेलमेट, ये देखो RFID टैग मिल गया यहाँ से, जिसका रजिस्ट्रेशन है वो यहीं से ले सकता है। कौन सी जगह है ये क्या बोलते हैं, मैं नाम ही भूल गया, बॉर्डर पे है ना जो, वो जगह है ये RFID टैग, जिसका रजिस्ट्रेशन है ना वो RFID टैग यहाँ से ले सकता है। मुश्किल से RFID टैग है, मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। लखनपुर टोल है ये, लखनपुर बॉर्डर, वहाँ पे जो बाय रोड आए हैं उनको मिल जाएगा। अब चलते हैं, वैसे जम्मू से भी मिलता है, अगर कोई जम्मू जाए ना तो उसका तत्काल में रजिस्ट्रेशन भी बता रहे हो रहा है। अब देखते हैं, एक बंदे का नहीं हो रहा यार, प्रॉब्लम हो रही है, भागते हैं। तो भाई चलते हैं, अब हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन, तो RFID टैग यहाँ पे एंट्री हुई है, चेक पोस्ट है ना, जैसे निकलेंगे वैसे तो उधर से जाते हैं नॉर्मली, पर यात्रा वालों को पता नहीं क्या चक्कर इधर से छोड़ रहे हैं पीछे से। कोई नहीं, यहाँ पे एंट्री कर ली बाइक की, इन्होंने रिकॉर्ड में रखते होंगे, कुछ भी होगा जो भी इशू है, आई डोंट नो। अब एक चीज़ और है, एक भाई का जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके लिए ना अब हमको जम्मू जाना पड़ेगा, वहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो मना ना कर दिया कि इनके पास अथॉरिटी ही नहीं है कि ये रजिस्ट्रेशन कर दें, सिर्फ RFID कार्ड इशू कर सकते हैं और कुछ नहीं। टोल आ गया जी लखनपुर दा बाइक के लिए कोई स्पेशल जगह ही नहीं है, यहीं से घुस जाओ कहीं से भी घुस जाओ। यहाँ पे ना अब मैंने सिम चेंज कर लिया, मेरे पास JNDK की भी सिम है ना, तो वही चलेगी, या तो पोस्टपेड चलेगी या JNDK की चलेगी। एक सिम वहाँ से लिया है, वहाँ की बता दूँ मैं, हमने लिया एक सिम 300 रुपये का मिला है, जियो का सिम, 1 GB नहीं 1.5 GB डाटा मिलेगा उसमें 1 महीने के लिए, और कॉलिंग फ्री, मतलब पर डे 1.5 GB डाटा, सही है यार, यहाँ का सिम हो गया। बारिश आ गई ज़बरदस्त विकास, बारिश आ गई, लंगर है पीछे यहाँ बैठे, थोड़ी देर है ना, चाय वाय पी लेते हैं, चल। अच्छा चलो, बारिश आ रही है ना इसके कारण थोड़ा लंगर में बैठ जाते हैं, पीछे लंगर है, कैमरे पे हाथ रख लेता हूँ। ये आ गया लंगर, पर यहाँ भी मेरे ख्याल से बाइक कहाँ खड़ी करेंगे, बाइक पे तो सामान तो गिला ही होगा। ओम नमः शिवाय। चलो जी, खाना आ गया अपना लंगर में, ये देखो अच्छा खासा खाना मिल जाता है यहाँ पे, चावल दाल छोले रोटी है और मिठाई भी है, ये निपटा देते हैं पहले। मिठाई भी है वहाँ रखी है, ली मिली नहीं लास्ट में थी वहाँ ना, देखो वो अपने आप लेके भी आओगा थोड़ी देर में। चल पड़े जी, चल पड़े लंगर से, थोड़ी 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 हल्की हल्की बारिश आ रही है, लेकिन ये इतनी नहीं है कि गीला कर देगी, अगर आगे आई ना फिर रुक जाएंगे कहीं। जम्मू को पार कर लिया हमने, और जम्मू मतलब बाईपास आता है ये जो श्रीनगर वाला बाईपास है, अभी टोल पे पहुंचा हूँ। और एक चीज़ बताऊँ मैं, वो जो स्प्लेंडर बाइक थी ना, वो हाइट पे जैसे ही अभी हाइट शुरू हो चुकी है यहाँ पे, तो लोड मारने लगी, तो मैंने उसको गुल्लू को मैंने अपने बाइक पे पीछे बैठा लिया, अब भागते हैं। दूसरी बता दूँ, रास्ते में ना इतने ढाबे बोल रहा हूँ ना, लंगर चले हुए हैं कि कोई भी श्रद्धालु आएगा ना भूखा नहीं जाएगा, यहाँ से रहने की खाने की पूरी व्यवस्था मिलेगी आप लोगों को इस हाईवे पे, और सेफ्टी भी पूरी है, जगह जगह पे आर्मी खड़ी हुई है, ये देखो फुल सेफ्टी है आपकी। टनल आ गई टनल। अच्छा एक चीज़ से मैंने आप लोगों को अपडेट नहीं किया, जो जम्मू में ना रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे हम गए नहीं, मैंने किसी से पूछा तो उसने बोला कि 4 से 5 दिन की वेटिंग है, मतलब अगर मैं आज कराऊंगा तो 4-5 दिन लग जाएंगे। फिर पहलगाँव में उसने बोला कि पहलगाँव में जैसे आज कराते हैं तो नेक्स्ट डे के आपको रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो मैंने कहा ये ठीक है फिर। अब आज है 30 तारीख और 1 तारीख का मेरा रजिस्ट्रेशन है, तो 1 तक तो पहुँचना मुश्किल हो जाएगा ना, मतलब कल है पर अभी टाइम हो गया 4 बज चुके हैं और अभी जम्मू से ही निकले हैं, तो इम्पॉसिबल है अगर मैं फुल भी भगाऊंगा, एक स्प्लेंडर बाइक है तो रात को 9 बजे तक भी पहुँचे, फिर भी कल रजिस्ट्रेशन होगा, चलो आज पहुँच भी गए
तो अभी कल रजिस्ट्रेशन होगा और परसों की यात्रा होगी। अब मेरा रजिस्ट्रेशन 1 तारीख का और यात्रा 2 की होगी। वो जाके वहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे कि भाई हमारी बाइक खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मतलब जुगाड़ लगाएंगे, हो जाएगा काम, चल जाएगा। वो जो टनल देखी थी आपने, देखी थी या नहीं? ना, टनल देखी नहीं, कैमरे की बैटरी डाउन हो गई। उधर से टनल से आया, 20-25 मिनट बैठे थे यहाँ, रेस्ट किया। ये देखो टायर में पंचर, गड़बड़ होगी ना, शाम के 6 बज गए, अब कैसे पहुँचेंगे ना। सामने वो टायर पंचर वाला है, मतलब काम चल जाएगा, पर इसमें ना पंगा है, कम से कम आधा घंटा लगता है। ये पूरा इसका यहाँ से खुल के टायर बाहर आता है, तब इसमें पंचर लगता है, लगवा लेता हूँ। भाई एक चीज़ और बता दे मेरे को, इस पर कितने नंबर की लगती है? अगर आगे कहीं 22 नंबर की कहीं पंचर हो तो कम से कम याद रखा है ना। जो ये बाइक है ना, ये भी ट्यूबलेस होता तो मैं इधर लगा देता, ट्यूबलेस में तो हम खुद लगा लेते। खोल दिया भाई बाइक को पूरा। बाइक होने का हमारे पास ना फायदा हो गया। देखो इस बाइक पे ना, ये भाई इसको टायर को अपनी दुकान पे ले गया है, क्योंकि वहाँ पे ना पंचर किट नहीं है, फिर हवा डाल दी है, मैंने कहा चलो फिर वहीं चलते हैं। अब यहाँ पे पंचर लगाएगा ये भाई। पंचर लग गया भाई, अब चलते 2 घंटे खराब हो गए पूरे। ये देखना अंधेरा हो गया, उधर ऊपर रोशनी है पहाड़ी पे, पर इधर देखना वहां पे बाइक खड़ी है बहुत दूर। ये पंचर मेरे ख्याल से सब केयर बस की नहीं है लगाना इस बाइक में, है ना? हाँ, मुझे नहीं आता था, अभी मेरे से अभी फुल ट्रेंड नहीं है। नहीं ट्रेंड हूँ। अच्छा, पहले मैं नहीं लगाता था इसका, अभी भी नहीं लगाता हूँ मैं, किसी किसी का ही लगाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत दिक्कत आती है ना, देखो अगर ये गलत रह गए ना तो ब्रेक नहीं लगता कई बार इसमें। ये देखो फिर से आ गया मैं तो इसकी दुकान पे, जैसे ही पंचर लगवाया ना, इसको पैसे दे दिए मैंने, साथ के साथ इसकी फिर से हवा निकल गई। मैं तो इसको ही ले आया भाई, तू दुकान पे ही चल, देखा जाएगा जो कुछ होगा। दिन बन गया इसका तो, ये देखो दोबारा से फिर लगाने लग गया, यहाँ पे बाइक खड़ी कर दी। मूड ख़राब हो गया यार, रात हो गई है 7:30 के करीब का टाइम हो गया, मतलब जैसे ही बाइक स्टार्ट की एकदम से नीचे बैठ गई। वहाँ खड़ी थी बाइक, अब देख लो पूरा अंधेरा हो गया, ये कैमरा दिखा नहीं रहा गया इतना अंधेरा। यहाँ देखो लाइटें जल चुकी हैं और ये माशा कहाँ चाय पी रहे हैं भाई। चाय अपनी अपनी बनवाई मारी भी भाई, तो ना तो चाय बनवा दो यार। अरे भाई चलें गेब, चलो 9 बजा दिए तब नहीं आई, ले भाई चलते हैं अब के 9 बज गए हैं, अब चल रहे हैं आगे। कोई बता रहे हैं कि कोई लंगर नहीं होते जो अमरनाथ के खाना वगैरह जो लंगर होते हैं उसमें स्टे करेंगे, आगे है कोई 7-8-10 किलोमीटर, वहीं जाएंगे, थक गए वैसे भी। चलो भाई रात हो गई, देख एक काम करियो, गेल गेल रही हो, है ना? गेल गेल मीन्स इकट्ठे रहना, हरियाणवी बोल पड़े ना। संदीप यहाँ तो नहीं है रास्ता? अच्छा देख लिया था, चलो भाई। वो देख ऊपर तक आ गया, वो फिर हरियाणवी बोल पड़ा। अरे तू छोड़ न बोले भाई, इतनी बड़ी मोटरसाइकिल ले गए भी ने, हट उस्ताद। जा भाई तू जा। तो अब चल पड़े हैं श्रीनगर की तरफ, जाते नहीं श्रीनगर, टेंशन मत लो, क्योंकि रात हो गई यार 9 बज गए और रात को गाड़ी चलाना बेवकूफी। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ तो अभी हम जाएंगे ना, जो आगे लंगर होगा ना वहाँ पे रुक जाएंगे, वहाँ पे सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, फिर सुबह 4-5 बजे उठ के भागेंगे। कल का रजिस्ट्रेशन है और कल की चढ़ाई भी है, लगता नहीं यार कल होगी, परसों होगी, परसों देखेंगे। यात्री निवास है, फौजी साहब यात्री निवास कहाँ है? कितनी दूर होगा? कितनी दूर है? अच्छा रामबन,
चलो जयस यात्री निवास में नाइट स्टे होगा अपना। अभी नीचे 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 कि थे आ आ आ आ यहाँ तो कहीं लिख नहीं रखे यार, सामने है ये रहा, दिख गया जी दिख गया, मंदिर में ही होगा यात्री निवास। देखा कि आर्मी की कितनी सिक्योरिटी दे रखी है इन लोगों ने यहाँ पे, यात्री निवास उधर है, सामने है सामने सामने सामने। जी जी यात्री निवास सीधा नीचे इधर से ले आगे राइट 1.5 किलोमीटर। थैंक यू सर। वो रहा यात्री निवास, क्या बात है यार, चमक धमक। चलो ये भी दिखा देते हैं आप लोगों को, रामबन क्या बोलते हैं इसको, चिनानी टनल पार करने के बाद मुश्किल से 5 किलोमीटर चलना है, उसके बाद ये यात्री निवास मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे ही रामबन में एंट्री होगी, रामबन डिस्ट्रिक्ट में, वेलकम टू यात्रीज। भाई कहाँ जाएंगे भाई, कहाँ खड़े, कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, ऐसे ही घुसा देते हैं। ए भाई यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस हो गई, वापस चल पड़े। प्रॉब्लम बताता हूँ क्या, यहाँ पे ना बाइक अलाउड नहीं है। अब ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हें छोड़ा किसने, मैंने कहा छोड़ा मतलब पकड़ किसने रखा था, उन्होंने बोला ऊपर आर्मी वालों ने रोका नहीं तुम्हें, मैंने कहा नहीं। आज यात्रा है ना, आज मैं पूरी, तो ये लोग कह रहे हैं कि ऊपर पार्किंग है, ऊपर बाइक खड़ी करके आओ। चलो भाई हम ऊपर चले जाते हैं, बाकी ऊपर जाने में अब तो चले गए, सुबह सामान लेके आएंगे ना तब प्रॉब्लम होगी, यहाँ सामान रख देते हैं। ले भाई ये मिल गई हमें जगह, यहाँ पे बेड क्या बोलते हैं इसको, डोरमेट्री है ना। अच्छा इस भाई से दिखाते हैं। अच्छा ब्रदर ये बता दे कौन सी जगह है ये, चंद्रकोट। हाँ चंद्रकोट। अच्छा इसमें कितने वार्ड हैं, मतलब टोटल जैसे हम 10 में 12 नंबर में 10 में 10 नंबर 10 नंबर में एक बिल्डिंग में कितने हैं ये बंदे, 216 बंदे एक एक बिल्डिंग में 216 बंदे आ सकते हैं, तो टोटल कितने आ सकते हैं इसमें, यहाँ पे लेकिन तूने तीसरी मंजिल पे गलत चढ़ा दिया हमें। नीचे हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी, नहीं तो नीचे डाल। ये इस तरीके के डोरमेट्री है यहाँ पे, 237 to 272 सबसे ऊपर दिया है तीसरी मंजिल पे। बाहर निकल के दिखाऊं तो आप लोगों को इस तरीके का है, फुल सिक्योरिटी के बीच में है, पहाड़ों के बीच में, ठीक है। सामने लंगर है, वहाँ खाना खा के आते हैं। अब चले हैं वही रात को 10 बजे लंगर खाने, पूरे परेशान हो गए थे, थक गए थे। बाकी पूरा सजा रखा है, बहुत बड़ा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 है ये, इस तरह की बिल्डिंग्स ही बना रखी है, और हर बिल्डिंग में 300 कुछ आदमी आते हैं, मतलब टोटल 3000 कुछ आदमी आएंगे इसमें। मेडिसिन हर व्यवस्था मिलेगी। ये लंगर है यहाँ पे, दिखाते हैं आपको लंगर में क्या क्या है। जय बाबा बर्फानी, जय भोलेनाथ। अच्छा चलो इसको ले लेते हैं, थोड़ी सी देना सर। दो ही फुल के रखना दो, ठीक है सर। ये देखो जी, पहले बैठ जाता हूँ, देखो बैठने की भी अच्छी खासी व्यवस्था है, दिखाऊँ एक बार। ये देखो ले आए भाई, ले आए भाई। हाँ भाई ये देखो बैठने की भी अच्छी खासी व्यवस्था। वो कर है क्या, पानी वानी पीने का? अच्छा अच्छा, बाकी है अच्छी खासी व्यवस्था, खा लेते हैं खाना। दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा, अंधेरा हो गया होगा। देखो यहाँ पे आगे डोरमेट्री में खाना वाना खा के आराम से आगे, लैपटॉप चालू कर लिया, डाटा ट्रांसफ़र करता हूँ, वीडियो करता हूँ, एडिट पोस्ट कर देता हूँ। अगर नेट अच्छा खासा रहा तो कल आपको ये व्लॉग मिल जाएगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो
कल का व्लॉग भी देखना, कल यहाँ से निकलेंगे सुबह 4 बजे, 3-4 बजे जब भी निकलेंगे, और सीधा पहलगाम। बाकी कुछ नहीं भाई।